हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपका ज्ञान पे आज हम हनी सकल क्लास सिक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर करेंगे हाउ द डॉग फाउंड हिम सेल्फ अ न्यू मास्टर कैसे एक कुत्ते ने अपने नए मास्टर यानी मालिक को ढूंढा बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड

और यह भी आपको पता है कि काफ़ी टाइम पहले से इंसान और कुत्ते जो हैं वो दोस्ती हो गई थी इनमें इंसानों ने कुत्तों को घरेलू जानवर डोमेस्टिकेटेड बना डोमेस्टिकेटेड का मतलब कि उनको डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर में रखना शुरू कर दिया था घरेलू जानवर बना लिया था एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल और पालतू बनाने लग गए थे वो जंगली जानवरों को तो एक कुत्ता कैसे इंसान के क्लोज़ आया और कैसे इंसानों से उसकी दोस्ती हुई उसी से रिलेटेड ये एक स्टोरी है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वोल्फ डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ ही वॉज एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हुर और स्ट्रॉगर दैन ही अब क्या हुआ कि कुत्ते जो थे वो अपने मास्टर को वो खुद ही अपने मास्टर थे जब वो जंगल में भेड़ियों की तरह रहते थे स्वच्छंद वातावरण में जब वो पैदा हुए तो इस इल प्लीस्ड के साथ में उनको उनकी लाइफ आ, चल रही थी इल प्लीस्ड का मतलब होता है कि जो खुश नहीं हो अपने आप से सेटिस्फाई ना हो हिंदी में इसको कहेंगे असंतुष्ट थे वो अपनी जीवन से क्योंकि वो बीमार मतलब कमज़ोर एक तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे थके हुए इधर उधर भागते रहते थे और हमेशा छुपते फिरते थे उन लोगों से उन जीवों से जिनसे वो कमज़ोर थे और उनको क्या करना पड़ता था खाने के लिए झगड़ा करना पड़ता था डर डर के रहना पड़ता था अपने से जो स्ट्रॉन्ग जीव थे उनसे तो अब कुत्ते ने क्या सोचा कि वो ऐसा क्यों ना करे कि किसी ऐसे उसकी नौकरी कर ले जो कि स्ट्रांग हो किसी स्ट्रांग पर्सन का नौकर बन जाए तो वो उसको खाने की भी समस्या नहीं रहेगी प्लस उसको डर डर के रहना भी नहीं पड़ेगा तो ये इसी तरह की एक तलाश में एक कुत्ता निकल पड़ा ही थाट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर अब क्या किया उसने कि उसने विचार किया थाट मतलब सोचा विचार किया और डिसाइड किया कि ये अच्छा रहेगा कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का स्ट्रोंग पर्सन का एक स्ट्रांग जीव का जानवर का नौकर बन जाए सर्वेंट बन जाए जो कि उससे स्ट्रोंगर हो इस दुनिया में और जिससे सारे लोग उससे डरते हों तो वो उसकी नौकरी कर लेगा तो वो भी सिक्योर हो जाएगा दोनों मैटर में फूड के मैटर में भी और दूसरों से उसको डर के नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि एक जो स्ट्रांग पर्सन है वो उसका क्या है मास्टर है मालिक है ही वॉकड एंड ही वॉकड एंड ही मेट अ किस मैन ऑफ हिज अग हु वॉज एज स्ट्रांगर एज ही वॉज़ फ्रेंड्स अब क्या हुआ उसने चलता रहा चलता रहा फिर वो एक आ, उससे मिला किसमैन का मतलब होता है अ रिलेटिव फ्रेंड्स मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता फीचर का पर्सन उसको मिला और वो कौन था भेड़िया वोल्फ था जो कि उससे देखने में क्या लग रहा था स्ट्रॉन्ग और मजबूत वेयर आर यू गोइंग डॉग तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते ही द वोल्फ आस्क भेड़िया ने पूछा आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टेक अप सर्विस विद वु डू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्व उसने कहा मैं किसी ऐसे को देख रहा हूँ जिसका मैं नौकर जिसकी नौकरी कर सकूँ सर्विस दे सकूँ क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे भेड़िए आई डोंट नो आई डोंट सी वाई नाट द वड उसने उसको देखा फिर कहा अच्छा ठीक है क्यों नहीं बन जाओ मेरे सर्वेंट बन जाओ द वोल्फ सैड एंड दिस एग्री अपॉन द टू ऑफ दम वेंट ऑन टूगेदर अभी दोनों में क्या हो गया सहमति हो गई एग्रीड हो गए आपसी सहमति से वो दोनों एक साथ चलने लगे दे वॉकड एंड दे वॉक्ड चलते रहे और चलते रहे एंड ऑल ऑफ अडन अ वोल्फ लिफ्टड हिज नोज स्निफ डार्ट क्विकली ऑफ द पाथ एंड इन टू द बुश एंड क्रीप Deeper into the forest, the dog was much surprised. What's come over you, master? He asked, What has frightened you so? Can't you see there is a bull bear out there and he might eat up both of us, you and me. A busni kya, which is a chanak jo wolf भेड़िया जो है उसने अपनी नाक को ऊपर उठाया लिफ्टेड हिज हिजनोज का मतलब ऊपर को उठाया स्निफ्ट मतलब उसने ऐसे सूंघा और फिर उसके बाद उसने अपने कान को इधर उधर मूव करने के बाद में रास्ते को देखा और झाड़ियों में जा छिपा और अंदर ही अंदर धसता चला गया मतलब अंदर ही अंदर छुपता चला गया झाड़ियों के अंदर डॉग ने उसे देखा और बड़ा हैरान हुआ सरप्राइज मतलब बड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा अरे बाहर क्यों नहीं आ रहे मास्टर क्या हो गया तुम्हें क्या हुआ ही आज उसने पूछा वट वाज फ्राइट इन यू सो तुमको इतना किसने डरा दिया फ्राइटिन मतलब डराना कि आपको इतना कितन, किसने डरा दिया कांट्यू सी क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता देयर इज़ अ बियर आउट देयर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उधर एक भालू है और वो क्या करेगा एंड ही माइट ईट हम दोनों खा जाएगा तुमको भी मुझको भी और तुम्हें भी ठीक है Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो उसे जो भालू था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लगा उससे ज़्यादा शक्तिशाली लगा भेड़िए से कुत्ते ने डिसाइड किया कि चलो अब मैं इसकी सर्विस कर लेता हूँ नौकरी ही करनी है तो फिर बोल्फ की क्यों करूँ बिहे मीन इसकी भालू की क्यों नहीं करूँ भालू तो इससे ज़्यादा बहादुर है वो उसके पास चला गया उसने पूछा उस एंड ही लेफ़्ट द बोल्फ़ उसने बोल्फ को छोड़ दिया और बियर के पास चला गया बियर का सर्वेंट बनने के लिए उसने अपने मालिक की जगह पे किसको बिठा दिया बियर को बिठा दिया उस, बियर उसका मालिक है बियर से उसने पूछा द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली वो भी बड़ी आसानी से तैयार हो गया बोला अच्छा चलो लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड चलो चलें और एक हर्ड ढूंढे गायों का एक झुंड ढूंढे गायों का आई विल की एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों बैठ कर उसको खाएंगे और अपना टमी फिल करेंगे दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ वो चलने लगे और बहुत जल्दी उन्होंने एक काऊ का झुंड ढूंढ लिया गायों का झुंड ढूंढ लिया बट जस्ट अस जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन वो चलने लगे चलते रहे और बहुत जल्दी उन्हें गायों का झुंड दिख गया लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाने लगे तो वो रुक गया भालू और उसने देखा कि वो बड़ी ही टेरिबल नॉइज करके इधर उधर गाय जो है वो भाग रहे हैं रम मूविंग का मतलब होता है रंभाना ओ हाँ ऐसे करके जब गाय भागती है ना जब डर जाती है तो क्या होता है वो उछल उछल के पूछ उठा के इधर से उधर भागती हैं लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक पैनिक का मतलब डर के मारे वो इधर उधर, उधर भाग रही हैं इन ऑल डायरेक्शन कोई इधर दौड़ रहा है कोई उधर दौड़ रहा है जैसे जान बचाने के लिए वो कोशिश कर रही हूं ऐसे वो इधर उधर दौड़ने लगी द बीयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट उस भालू ने भी देखा और देखने के बाद पेड़ के पीछे से झांक के देखा और उसके बाद में वो भी भाग खड़ा हुआ जंगल के अंदर जा छुपा नाउ वाई डिड आई हैव To come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master. हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ उसने कहा कि आप यहाँ पे क्यों हम यहाँ क्यों आए कुत्ते ने पूछा तो उसने कहा इट इज़ द लॉइन वहाँ पे शेर था जो पूरे जंगल में इस जंगल के हिस सारे हिस्से पे कौन कर रहा है राज कर रहा है द लॉयन हु इज ही तो उसने कहा कि अच्छा लॉइन वो कौन है तो डोंट यू नो तुम्हें नहीं पता कि ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर है इस अर्थ के ऊपर पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लॉयन है तो कुत्ते ने कहा ओके वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू तो फिर मैं आपको गुड बाय कह रहा हूँ बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ तो मुझे ऐसा शक्तिशाली मास्टर चाहिए ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो इस पृथ्वी के ऊपर और वो आप नहीं हो बियर तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको गुड बाय कर रहा हूँ एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर अब कुत्ता कहाँ गया अब कुत्ता शेर के पास गया और उससे बोला कि आप मेरे मालिक बनोगे द लॉयन एग्रीड इट टू टू इट एंड द डॉग स्टे विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अब जो कुत्ता था वो शेर के पास चला गया उसने शेर से पूछा कि आप मेरे मालिक बनोगे शेर तैयार हो गया और कुत्ते उसके साथ में रहने लगा और उसे सर्विस देने लगा अपनी काफ़ी लंबे समय तक इट वॉज अ गुड लाइफ बड़े मज़ेदार जीवन था ये एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ और अब कुछ भी कंप्लेन करने के लिए नहीं था यानी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उसको नहीं था फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉर बी स्ट्रॉगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉय एंड नो वन डियर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे अब जब वो लॉयन के साथ में सर्व करने लगा उसका मास्टर उसने अपना लॉयन बना लिया लॉयन इतना शक्तिशाली जानवर था जंगल में कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी नो वन डेयर टच मतलब अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको हाथ लगाने की छूने की कुत्ते को ऑफ हिम इन एनी वे किसी भी तरह से उसको धमकाने या डराने की किसी भी प्रकार से क्योंकि उसका मास्टर कौन है लॉयन है और लॉयन कौन है सबसे शक्तिशाली जानवर है जंगल में बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रन अमिड बियर क्लिफ वेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक एंड ग्राउंड एंगरली विद हिज पाव विद सच फोर्स दैट आर होल फॉर्म्ड देयर देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली अब क्या हुआ कि जंगल में एक दिन दोनों के दोनों रास्ते पे जा रहे थे और उसी समय एक क्लिफ क्लिफ होता है गहरी और ऊंची चट्टान उस पर जाके शेर चढ़ा उसने इधर उधर देखा और अचानक से चलने के बाद में जो लॉयन था वो रुक गया उसने एक ग्रेट रॉर किया और ग्राउंड पे एंगरली विद हिज पॉज और अपने पैरों को देख पैर को पटका उसने और वहाँ पे एक गड्ढा हो गया देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली और उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे हट गया वट इज़ इट मास्टर इज एनी थिंग रॉन्ग आज द डॉग सरप्राइज उसने पूछा शेर से कुत्ते ने कि क्या हुआ क्या कुछ गलत हुआ कुत्ते ने हैरानी से पूछा आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे उसने कहा मुझे खुशबू आ रही है कि कोई आदमी इस रास्ते से आ रहा है द लॉइं सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल उसने कहा अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से भाग चलें वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ अच्छा ठीक है तो फिर अब मैं आपको गुड बाय कहता हूँ शेर, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. Iske baad me kya hua? Kutte ne sher ko bye bye bola. और वो उसने आके इंसान को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ रहने लगा और उसको अपनी सेवाएं देने लगा और कैसे सेव कर, सर्व कर रहा उसको फेथफुली यानी उसके लिए वो लॉयल है स्वामी भक्त है और तब से चल रहा है बहुत बहुत समय हो गया आज भी कुत्ते हम लोग पालते हैं कुत्ते हमारे आसपास रहते हैं और लॉयल सर्वेंट हैं यानी देखभाल करने वाले ऐसे सर्वेंट हैं ऐसे नौकर हैं जिनको कि अगर आप थोड़ा सा भी प्यार से ट्रीट करते हैं कुछ खिलाते पिलाते हैं तो वो कभी भी इंसानों को भूलते नहीं हैं और उसके बाद उसने किसी और मालिक को चुनना ठीक नहीं समझा तब से इंसान को ही कुत्तों ने अपना मालिक बना लिया तो ये थी पूरी स्टोरी आई होप कि आपको समझ आई होगी और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले चैप्टर में Thank you. Thanks for watching.